कौन था? कौन सुनते थे? लाइट तेज हो सकती है। धार की होता है। एक से हो जाएगा? हाँ बस इसी से हो जाएगा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी, काफ़ी दिन हो गए हैं व्लॉग डाले हुए, लगभग 20-25 दिन, 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं कोई व्लॉग नहीं है चैनल पर। असल में बीच बीच में हमने रिकॉर्ड भी करा था लेकिन वो व्लॉग पूरे हो नहीं पाए, इस वजह से हम लोग अपलोड कर ही नहीं पाए। और अभी जो आपने क्लिप्स देखी थी वो सुबह की क्लिप्स हैं जिसमें मेरा सैंपल टेस्ट वगैरह हुआ है, मतलब सैंपल कलेक्ट हुआ है, टेस्ट नहीं, सैंपल कलेक्ट हुआ है ब्लड का और यूरिन का, तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी एक काम करिए आप, अभी हमने जो पिछला सारा जो भी व्लॉग बनाए थे, जो भी रिकॉर्ड करे थे, आप लोग वो देख कर आओ और उसके बाद इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, है ना? तो आप वो देख कर आओ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। लिया माइनू, लड़ाई वड़ाई हो गई क्या? क्या हो गया मैडम? लड़ाई हो गई, जंग हो गई, जंग दोनों के बीच में हैं? किसने किसको मारा? किसी ने किसी को नहीं मारा, गलती से मारा। माइनू ने मारा? नहीं, गलती से लगाया उससे, उसने मारा नहीं, सॉरी बोलती है। और कहाँ भाग गई तुम, इधर तो आओ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बढ़िया हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं, फिट एंड फाइन हैं। तो काफ़ी दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। चलिए आइए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और नकली खांसी मत करो, खांसी मुझे हो रही है। 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी सी नासाज है, बुखार हो गया था, खांसी नज़ला हो गया था, तो बुखार ठीक हो गया है, खांसी थोड़ी बहुत रह गई है, अभी नज़ला भी ठीक हो चुका है। चलिए खैर, व्लॉग शुरू करते हैं। और वो देखो वहाँ पर वो बैठ के नकली खांसी कर रही हैं। क्या कर रही हो? इधर तो आ जाओ, भाग गई भाग गई। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आफ्टर 10 डेज। अब 10 डेज में हमने क्या क्या किया? एक तो उनकी गर्दन में चोट लगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई है। और मुझे काफ़ी सारे सब लोगों ने कंसर्न जताते हुए कॉल किया और बोला कि भाई सदका निकालो, सदका निकालो। तो फिर मैंने अभी बीच में अम्मी भी आई थी और मैंने सदके का खाना पकाकर भेज दिया था, बिरयानी और जर्दा पकाया था। और मैंने इनसे कहा था व्लॉग शूट कर लो, बट उन्होंने करा नहीं। चलिए इस नए व्लॉग को शुरू करते हैं। जी ये देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट आ गए हैं, मेकअप कर रहे हैं। हाँ जी मैडम, क्या मेकअप हो रहा है? हैं, ये तो बताती नहीं है, शर्माती है। तुम क्या कर रही हो? पार्टी वेयर मेकअप हो रहा है। हो गया मायशु? हाँ हो गया, मेकअप हो गया। और मेकअप आर्टिस्ट, ये बताइए एग्जाम कितने बचे हैं अभी? अभी 4 एग्जाम बचे हैं। तैयारी हो गई? नहीं हुई अभी। तो जी इनके एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, अभी आधे हुए हैं, आधे बाकी हैं। यार इतने लंबा गैप दे दिया बीच में, अभी ये छुट्टियां हो गई हैं दशहरे की, ऑटम ब्रेक 4-5-6 दिन की, और अभी 4 एग्जाम पहले हुए हैं, अब 4 एग्जाम होंगे बाद में। कब है? 15 तारीख को अब एग्जाम है, 15 तक छुट्टियाँ आएंगी, 16 को 15 को एग्ज़ाम है, उसके बाद 19 को जाके ख़त्म होंगे। ऐसे एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसे बोर्ड एग्ज़ाम होगा, इतने लंबा गैप दे रखा है। तैयारी कर लो बेटे, तैयारी, समझ आ रहा है? क्या कह रही हो? मेरा मेकअप करोगे? नहीं अभी तो कह रही है पापा मेकअप करवा लो। ये सारे ब्रश ला के रख दिए यहाँ पे, और कैमरा ऑन होते ही मना कर देंगे। मैं करूँ आपका मेकअप? मैं कर देता हूँ आपका, लाओ इस वाले ब्रश से कर दूँ। टिंग 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 टिंग, हो गया। बढ़िया लग रही है, एकदम फर्स्ट क्लास लग रही है, एकदम
है ना, ये कैमरा ऑन होता है इनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, थोड़ी देर में जाके फ्री हो जाते हैं, है ना। तो जी गाइस, बज रहे हैं शाम के 5 और दोनों बच्चे बाहर साइकिल चला रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा सामान लेने, घर का सौदा, दूध वगैरह आना है और शाम में जो पकना है वो डिसाइड अभी हुआ है तो वो लेकर आते हैं। चलिए चलते हैं। कर रहे दोनों साइकिल चला रहे, उसको ऐसे बिठा रखा वो गिर ना जाए। नहीं गिरती। मैं तो जा रहा हूँ स्कूटर पे। टन टन चलो जी, ये भी आ गई मेरे साथ है, अप्पी को छोड़ दिया वहीं। चलो हाँ जी गाइस, शाम हो रही है और हम पी रहे हैं चाय और खा रहे हैं मट्ठी, चाय मट्ठी। अभी थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी तो सोया सोया सा चेहरा हो रहा है। और पता है आज क्या, आज दशहरा भी है। मैंने मायशा को डरा दिया, जो बच्चा बात नहीं मानेगा ना रावण आ जाएगा। हाँ जी गाइस, तो हो गया है नेक्स्ट डे और मैं आई हुई हूँ जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे। गाइस ऊपर का फ्लोर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था तो मैं यहाँ की सफाई वगैरह करने आई हूँ, यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ और उधर चल रहा है झाड़ू पोछा धुलाई वुलाई। जैसा कि आपको पता ही है ऊपर के फ्लोर की वैसे तो बंद ही रहता है तो हफ्ते में एक आध बार मैं सफाई करा लेती हूँ, बट इस बार ज़्यादा टाइम हो गया, आंटी को भी टाइम नहीं मिला, मुझे भी टाइम नहीं मिला, तो एक महीने से ज़्यादा हो गया और यहाँ की हमने सफाई नहीं कराई। बंद रहता है तो अंदर तो इतना गंदा नहीं होता, बाहर का बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। किचन वगैरह भी सब यहाँ पे अभी झाड़ू पोछा चल रहा है, किचन की धुलाई चल रही है बढ़िया तरीके से। ये हमारा ऊपर का किचन है जैसे कि आपको पता ही है। करते हैं फटाफट से यार, मैं इधर डस्टिंग कर रही हूँ। हाँ जी, तो गाइस साफ सफाई हो गई है, डन। ये एरिया हो गया है फुल ऑन क्लीन, ये एरिया भी हो गया है क्लीन और ये अंदर भी सारा साफ हो गया है, किचन भी पूरा क्लीन हो गया है। और ये देखो मैंने अरोमा कैंडल जलाई है क्योंकि ना बंद में ना बहुत ज़्यादा स्मेल सी आ रही थी। चलते हैं अब नीचे, बाथरूम भी चमक गया। बस बस रुक जाओ, बस आगे जा रही हो, भागे जा रही हो। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आई नो आई नो आई नो बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। और आज है 25 अक्टूबर और जैसे कि आप सबको पता ही है आगे 3-4 दिन में माहिरा का बर्थडे आने वाला है, तो फिलहाल अभी हमने जुमा पढ़ लिया है, खाना खा लिया है, फिलहाल हम जा रहे हैं मार्केट। चलिए चलते हैं, आपको भी घुमा लाते हैं मार्केट थोड़ा सा। दिवाली की रौनक लगी हुई है। दिवाली की रौनक तो लगी हुई है और हम माहिरा के लिए कुछ सामान लेने जा रहे हैं, माहिरा की ज़रूरत का सामान भी है तो वो बर्थडे पे गिफ्ट कर देंगे, गिफ्ट का गिफ्ट और ज़रूरत का ज़रूरत। मेनली प्रॉपरली वो गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट नहीं है वो, मतलब चीजें उसे चाहिए थी काफी दिन से, तो मैंने कहा चलो बर्थडे पे दिलवा दो, ले ले और बाकी गिफ्ट जो होगा वो बाद में देखें, बाद में बताएंगे, अभी चलते हैं। अभी साथ ही लेके जा रहे हैं क्योंकि बैग जो है वो इसमें कुछ सरप्राइज नहीं, अपनी पसंद का ही ले लेगी, अपनी पसंद का ही ले लेगी जो भी सामान लेना है, कुछ स्कूल बैग वगैरह लेना है, काफी दिन से कह रही है स्कूल का सामान लेना है, स्टेशनरी वगैरह लेनी है, तो चलिए तो फिलहाल चलते हैं और बाकी की बात करते हैं मार्केट से आने के बाद। हाँ जी चले, हाय करो, तुम भी हाय करो। तो जी आ गए हैं हम शॉप पर बैग देखने के लिए, मायरा के लिए स्कूल बैग, बहुत सारे बैग हैं, अलग ही अलग तरीके के बैग। माइनू को भी लेना है, अभी पहले एडमिशन तो हो जाए। ले लिया जी बैग, मिल गया मायरा को, मायरा की पसंद का ले लिया।
तो जी गाइस फुल रौनक और फुल भीड़ हो रही है भाई साहब, फुल भीड़, जैम पैक हुआ पूरा। हाँ जी गाइस आ गए हम घर और ज़्यादा कुछ सामान तो मिला नहीं, मायरा की पसंद का बैग मिल गया, मायरा ने अपनी पसंद से लिया इस बार। मायरा दिखा दो और कुछ लेने भी देखने गए थे, जो चीज़ देखने गए थे वो नहीं मिली, ये लिया है मायरा ने। और माइनू लाए हैं अपने लिए ड्राइंग बुक, माइनू कर रही है इनमें पेंटिंग। स्कूल में एडमिशन तो करवा लो पहले, हैं? पहले मेरी बात बताओ, स्कूल में एडमिशन कब करवाओगी? स्कूल नहीं जाना? आपने अब तक करवाया ही नहीं। ये देखो जी डोरेमोन में कर ली, नोबिता में कर ली, एक ब्लैक और एक ब्लू क्यों कर दिया इसको? इसमें ये लिखा हुआ है। आपने भी कर ली? आपने किस में करी है आप दिखाओ? ठीक है जी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं मार्केट से और अब हो रही है शाम, शाम के बज रहे हैं 6:30। अब बस चाय पियेंगे थोड़ी देर में और चलिए आपको बता देते हैं। अभी स्टार्टिंग में व्लॉग जब स्टार्ट हुआ था तो आपने एक क्लिप देखी होगी जिसमें मेरा ब्लड सैंपल लिया जा रहा था, वो क्लिप हमने ऐड करी है इस व्लॉग में। वो क्यों है, क्या है? तो असल में क्या है, कुछ दिनों से लगभग 2-2.5 महीने से ना मेरी बॉडी में कुछ मुझे सिम्टम्स अजीब से महसूस हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो वेट लॉस का, जो कि आप लोगों ने भी नोटिस किया है उस चीज़ को काफ़ी, हर बार हर वीडियो में जब भी वीडियो डालो चाहे वो रील हो चाहे वो यूट्यूब पर व्लॉग हो, तो ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स ये आते हैं कि क्या हुआ वासिफ भाई को, वज़न कम क्यों हो रहा है, इतने कमज़ोर कैसे हो गए, इतने पतले कैसे हो गए, या कौन सी ऐसी डाइट ले रहे हैं कि इतने पतले क्यों हो रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने भी नोटिस कर ली थी, लेकिन हमें लगा चल ऐसे ही हो रहा होगा कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीज़ शुरू हुई थी रमज़ानों से। रमज़ानों में ऑलमोस्ट नॉर्मली वेट हो ही जाता है, डाउन हो ही जाता है, 3-4 किलो मेरा वजन कम हुआ था, तो मुझे लगा कि चल अब रमज़ान के बाद वैसे ही हुआ होगा, ठीक हो जाएगा। खैर वो चीज़ हमने नोटिस करी नहीं, बाकी हमने इतना ध्यान दिया नहीं, तो वो और लोगों को ज्यादा फील होता है जो लोग बाहर रहते हैं, जो क्योंकि जो लोग बहुत कम मतलब बहुत टाइम बाद देखते हैं उन्हें ज्यादा पता चलता है। हम लोग तो साथ रहते तो हमें इतना महसूस है, सामने वाले मुझे भी कोई इतना ज्यादा फील हो नहीं रहा था, दिन बाद देखेगा वो कह रहा है कि जब भी मिल रहा है जो भी मिल रहा है वो यही कह रहा है। तो हमें रिश्तेदारों से भी मुलाकात हुई थी रिश्तेदारों से भी, तो वहां पर भी लोगों ने देखा तो वो भी बोलने लगे, काफी लोगों ने बोला, मतलब तो काफी लोगों ने इस चीज को बोला कि भाई क्या हुआ वजन कम हो रहा है, कुछ खैरियत है या भाई? हमने कहा भाई सब खैरियत है, ऐसी कोई बात नहीं, कि मुझे बॉडी में ऐसा कुछ ये फील नहीं हो रहा कि यार कुछ अजीब, लेकिन बीच में अभी कुछ दिनों से तो अजीब सा, मतलब 3-4 महीनों से बीच बीच में कुछ तकलीफ, कभी टांगों में तकलीफ, कभी चक्कर आने लग रहे, चक्कर और बॉडी में पेन, पूरी बॉडी सुनपन और बीपी की प्रॉब्लम मेरे को हो ही गई है, जैसे लगभग 1-1.5 साल होने वाला है, बीपी रहता ही है मुझे, हाई रहता है बीपी मेरा, हमेशा हाई रहता है, तो उस चीज़ के लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट किया था, डॉक्टर ने कहा था कि भाई बीपी की दवाई स्टार्ट कर दो, तो मैंने आलकस में चल छोड़ना कौन कर रहा है, दवाइयां तो लेते ही नहीं है दवाई, क्योंकि दवाई खाने का मैं चोर हूँ, मैं दवाई खाना पसंद नहीं करता, बिल्कुल लास्ट जब हो जाता है ना जी, अब जो बुखार जैसे आया और बुखार भी बिल्कुल एंड हो गया तब जाके दवाई लेता हूँ, वरना मैं दवाई लेता ही नहीं। तो डॉक्टर ने कहा था बीपी की दवाई स्टार्ट कर दो, मैंने करी नहीं तो बीपी हाई, और उसी की वजह से प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद जब हमने सबके कहने पर फिर वेट भी करा तो फिर देखा तो एकदम से ही 4-5 किलो और वजन गिर गया, यानी कि पिछले 6 महीने में 6-8 किलो वजन कम हो गया, तो बहुत टेंशन वाली बात है, हमें भी लगा बहुत टेंशन। फिर हमें भी इस चीज की वो हुई कि यार शायद हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ भी हो सकता है, तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करा दोबारा से, डॉक्टर को सारी चीज़ें बताई, डॉक्टर ने फुल बॉडी चेकअप रिकमेंड करा कि आप एक बार इसको कराओ और उसके बाद रिपोर्ट्स आएंगी, तो देखते हैं। डॉक्टर ने भी कहा कि एकदम से इतना वजन गिरना कोई नॉर्मल बात नहीं है। जब एक होता है कि बंदा डाइट कर रहा है उसमें वजन कर रहा है, या बंदा रोटी नहीं खा रहा
कोई एक मील नहीं खा रहा, लूज कर रहा। मैंने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, मैंने कोई लूज भी नहीं करा ना कुछ करा, नॉर्मली मेरा वेट गिरा। और अब देखते हैं वही चीज़ हमने सुबह आज टेस्ट हुए हैं, अब इसकी रिपोर्ट आएगी शाम तक, आने वाली होगी वो आपको बताएंगे आगे इंशाल्लाह क्या रहता है। बाकी यही थी वो चीज़। और आप लोग दुआ कीजिएगा कि कोई ऐसी कोई बात ना आए, रिपोर्ट्स वगैरह सब सही है, नॉर्मल आए, हो सकता है कि वैसे ही वजन गिर कम हो गया, वैसे ही कम होगा तो गेन कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें, वजन तो अपना है, कभी भी बढ़ा लो कभी भी घटा लो, कभी भी बढ़ता है। तो बस ये थी बात जो आपको बतानी थी, सोचा आपको बता दें, क्योंकि काफी सारे लोग ज्यादातर यही कमेंट्स करते हैं जब भी वीडियो में मुझको देखते हैं कि मुझको भाई क्या हो रहा है, क्यों वजन क्यों कम हो रहा है, क्या हो गया, इतने पतले क्यों हो गए, कमजोर क्यों हो गए। तो आपके कंसर्न के उससे भी ये चीज़ बतानी जरूरी है आपको भी, कि अब टेस्ट वेस्ट करवाए हैं, देखते हैं अब क्या होता है आगे टेस्ट में, उम्मीद है लग रहे बस सब सही आए, नॉर्मल आए और कुछ आए, क्योंकि भैया मुझे दवाइयाँ वाइयाँ खाना बड़ा अजीब लगता है, मैं नहीं खा सकता दवाइयाँ वाइयाँ, ना मुझसे खाई जाती हैं, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि मुझसे दवाइयाँ खाई नहीं जाती, मेरे ना हलक में अटकती हैं गोलियाँ, एक एक गोली मुझे खाने में ना एक एक दो दो मिनट लग जाते हैं, अगर दो तीन दवाई खुराक एक साथ मुझे खानी पड़ जाए ना तो मैं कभी भी एक साथ नहीं खा पाता, एक एक करके गोली खाता हूँ, अब बड़ी परेशानी होती है, खा ही जाती दवाइयाँ, उसकी वजह से मैं बचता हूँ दवाइयाँ खाने से। तो ये है कहानी जी, अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी तो आपको बता देंगे इसी ब्लॉग में, नहीं तो फिर उसको आपको अगले ब्लॉग में बताएंगे क्या भी क्या रिपोर्ट्स आती हैं, क्या रहता है। यहाँ पे हो रही है व्लॉग जो हमने बनाया उसकी एडिटिंग, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं बच्चों ने यहाँ पे आते ही घर फैला दिया है, अब हो गई है रात और मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए, और मैं बनाने वाली हूँ उड़द की दाल की खिचड़ी। तो बस सिंपल सा यही था व्लॉग, जो था देख लेना, और आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह। ये व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर कॉमेंट करना, और इंशाल्लाह जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी तो कल हम बताएँगे क्या आया रिपोर्ट में, अल्लाह करे कि सब ठीक आए। और बस रखते हैं इस ब्लॉग को इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय 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 बाय। कितने दिन लेफ्ट है? 4 days पता है माहिरा ने अपनी डायरी बना रखी है और डायरी में टिक करती जा रही है 10 दिन पहले से, 10 days लेफ्ट, 9 days लेफ्ट, दिखाना दिखाना लाके दिखाना, ये देखिए 9, 8, 7, 6 टिक करती जा रही है ये अपने बर्थडे डेट का।